बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, रियलिटी तो वो होती है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन ये है कि अभी आजकल कंपैरिजन बन रहा है, मरियम बीबी जब बात करें, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सिटिंग ऑनरेबल जजेस की तस्वीरें दिखा के पूरा तबर्रा उस जुबान में कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता। और उसके बरअक्स अगर इमरान खान साहब कहेंगे, जनाब एक लोअर कोर्ट की जो जज साहब हैं उनकी इज्जत के साथ कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जो काम किया है उससे हमें एतराज है, उस पर हम कानूनी चाराजोई करेंगे, उसको जनाब दहशतगर्दी डिक्लेयर कर दिया, उससे तमाम अदलिया का इस्तेहकाक मजरूह हो गया, उससे अदलिया को जो है धमकियां मिल गई। मुझे तो ये समझ नहीं आते कि ये सिस्टम के जो लाडले हैं ये अब इतना चीखो पुकार कर रहे हैं, इस पर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा। और मैं समझ भी गई हूँ कि क्यों लिया नहीं जा रहा, क्योंकि जिनकी थपकी पे मरियम बीबी इतना डकार रही है ना और इतना चिल्ला रही है ऊंची आवाज में खौफनाक हद तक, और जिस उन्होंने कहा जी मैं तो किसी भी लेवल पे जाऊंगी, वो अभी सारी दुनिया को समझ आती है। दूसरी बात ये है कि आप देखिए उनके अल्फाज देखिए, जलसों में खड़े होके वो बाकायदा धमका रही है। भाई बीबी, आपके लिए पैगाम ये है कि जस्टिस कयूम साहब की ऑडियो लीक एक सारों के लिए, वो खुद तो दुनिया से चले गए लेकिन वो ऑडियो लीक रहेगी उन, और वो कंडक्ट शो करती है कि नून लीग का कंडक्ट क्या रहा है माजी में, जो डिक्टेशन है ये लेते रहे तो वो तो ठीक है। और जो जज अरशद मलिक को भी आपने मलाइन किया, उनको भी आप बुला के जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकातें करवाते रहे, उन इनका बेटा जो है वो मदीने में उनको मिलता रहा, ये कंडक्ट जो है ये अब नहीं चल सकता, इसलिए कि सोशल मीडिया का दौर है, लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो इस वजह से सिस्टम का, सिस्टम की लाडली, और हम तो कहते हैं कि बाजवा साहब की लाडली यही है क्योंकि उनकी बेनिफिशरी है। आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाएं, आप इनकी पुरानी जो पांच का टोला थी उसमें तस्वीर देखें तो बाजवा साहब मौजूद थे, अब जब आप पांच का टोला देखें तो बाजवा साहब भी निकल गए, एक और भी इनके फेवरेट निकल गए। टोला एज पर देयर कन्वीनियंस तब्दील होता जा रहा है जी हाँ, और इस कन्वीनियंस के तहत ना मैं एक आपसे क्विकली स्टैटिस्टिक्स भी शेयर कर लूं, मरियम बीबी किस तरह से सिस्टम की लाडली है वो भी बता दूं। और देखिए, जो दरोग होते हैं ना उसका हाफजा नहीं होता, ये हमारे बचपन में हमें सारे बुजुर्ग हमें बताया करते थे, लेकिन अब हम अपनी आंखों से ही होता देख रहे हैं। मरियम बीबी ने जनाब फैज़, जनरल फैज़ साहब को बहुत अरसे तक, वो सिटिंग जनरल थे, थ्री स्टार जनरल थे, उनको आड़े हाथों लेती रही, हमेशा कोर्ट्स के बाहर अपनी करप्शन और अपने केसेस की बात नहीं की, वो हमेशा आके या तो बाजवा साहब के ऊपर तबरा पड़ती थी या फिर वो बाद में लेट ली फैज़ हमीद साहब को उन्होंने टारगेट किए रखा। आप पता ये चल रहा है कि उस सारे सिस्टम की और उस सारी रिजीम चेंज की और बाजवा साहब की जो बैक थी उसकी बेनिफिशरी तो डायरेक्ट सबसे ज्यादा मरियम बीबी हैं, हालांकि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। वो फरमाती है कि जनाब बाजवा साहब से हटके फैज साहब ने ऑटो पे अपने आप को समझ लिया कि वो बन जाएंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और बस उसके बाद उन्होंने हमारी तबाही फेर दी। तो उनकी दरोग गोई और कम हाफजे के लिए मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स निकालें। नवाज शरीफ साहब की नाहली हुई थी 27 जुलाई 2017 को, और उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल बाजवा साहब और DGISI थे नवीद मुख्तार साहब। फिर दूसरी बात सुनिए, नवाज शरीफ साहब को 6 जुलाई 2018 को 10 साल की कैद हुई और इनकी भी साथ कैद लगी थी, उस वक्त भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल बाजवा साहब और DGISI थे जनरल नवीद मुख्तार साहब। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब को 19 नवंबर